आज हम वायरल माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स ट्राई करने वाले टू सी इफ दे वर्क। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ भाई और बहनों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम अजय और गाइस बहुत टाइम हो गया मैंने टिकटॉक हैक्स नहीं किए, लेकिन फाइनली वी आर बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब टिकटॉक हैक्स पसंद आए, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड आज की वीडियो का लाइक का टारगेट होगा 18, क्योंकि मई 18 को मेरा बर्थडे आ रहा है। तो पहले हैक की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने एक खतरनाक इन्वेंशन करी है। इसके साथ आप तो भाई माइनक्राफ्ट में मून तक ट्रैवल कर सकते हो। सीरियसली, वैसे आप सोच रहे होगे कि जे भाई ने कौन से इलोन मस्क का फॉर्मूला हैक कर लिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा हैक मैंने डिस्कवर किया। तो इसके लिए चाहिए हमें रेल और यहाँ पे माइनक्राफ्ट कार्ट विद TNT। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग पर्पसेस के लिए ट्राई कर लेते हैं इसको, बस हमें पुश कर रहे हैं। एक मिनट, ये हुआ क्यों नहीं भाई? इट्स मेंट टू एक्सप्लोड। चल इस वे में ट्राई कर लेते हैं। देयर वी गो। What? ये तो हुआ ही नहीं भाई। क्या हमें पावर ट्रेल तो नहीं चाहिए? एक मिनट, एक काम करते हैं, इसके ऊपर ही ट्राई कर लेते हैं। There we go. अरे इट्स मेंट टू एक्सप्लोड यार, ये नहीं हुआ। लेकिन चलो गाइस, जैसे मैंने वीडियो के अंदर देखा था वैसे ही ट्राई कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज के साथ ट्रैश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रखते हैं ये, एंड ये रखा यहाँ पे और पुश किया। अरे फिर से काम नहीं करा। चलो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे एक ब्लॉक उठाते हैं। ये रख दिया मैंने एक ब्लॉक यहाँ पे, ये रख दिया मैंने एक ब्लॉक यहाँ पे, बस खाली ऐसे तीन वो चाहिए। यहाँ पे रखते हैं बंच ऑफ TNT कार्ड्स। और गाइस यहाँ पे ऑब्वियसली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप F3 दबाओ और यहाँ पे आप ऊपर एंटिटी का साइन देख सकते हो गाइस, इट इज इंक्रीजिंग। दैट मींस गाइस यहाँ पे आपने ढेर सारे TNT लगा दिए हैं। तो अभी ये हो गया, और यहाँ पे हमें पता है इसको रिप्लेस करके ऐसे रखना है। और ये रखा मैंने भाई साहब, ये क्या हुआ था गाइस? यहाँ पे तो मेरे पर रिवर्स एरिया हो गया यार। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे इसने तो मेरे ऊपर रिवर्स ही मार दिया भाई। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं हवा के अंदर तोड़ा, लेकिन भाई मैं मून तक नहीं पहुंचा। इसको तो भाई फिर से हमें ट्राई करना पड़ेगा। ये हटा देते हैं इस बारी, आई थिंक इसका कोई प्रॉब्लम हुआ था। एंड देयर वी गो, इधर ऐसे रखते हैं और टच किया मैंने। वो भाई कितना ऊपर मुझे पहुंचा दिया यार। सही में जितना ज्यादा TNT उतना खतरनाक एक्सप्लोजन गाइस। मजा आया, ये चीज तो मुझे ऑगी के ऊपर ट्राई करनी चाहिए, सही बता रहा हूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की ओर। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि ज़ॉम्बीज़ वगैरह कभी कभी हेलमेट डाल के आते होंगे। बस सुना क्या होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी कभी उनके पास आयरन का हेलमेट होता है, कभी उनके पास एन्चांटेड आयरन की सोर्ड होती है, कभी कभी तो भाई वो डायमंड पकड़ के भी आ जाते हैं। चल झूठा यार, ये कुछ ज्यादा ही क्या। लेकिन आज हम एक हैक ट्राई करने वाले हैं जिसमें हम बिल्कुल ज़ॉम्बी को इनविंसिबल कर सकते हैं। वैसे इनविंसिबल नहीं कर सकते, एंड इम्पॉसिबल टू किल नहीं करेंगे, लेकिन गाइस बहुत ही ओपी हो जाएगा ज़ॉम्बी। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक डायमंड का हेलमेट है, प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, और मेन चीज स्टोन्स। स्टोन्स का मतलब ये है कि अगर मैं उसको मारूंगा तो गाइस मैं ही मरूंगा, एंड ऑब्वियसली दैट विल मेक हिम इनविंसिबल भाई, उसको तो कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन इस चीज को काम करने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा जेल बनाना होगा। तो गाइस ज़ॉम्बी को इस जेल के अंदर हम कैदी बना के रखेंगे। देयर वी गो, यार ऐसे जेल में तो मैं खुद भी रहने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे निकाला हमने ज़ॉम्बी का अंडा, यहाँ पे थोड़े से ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन कर लेते हैं। अरे यार यार यार, वेट 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 वेट। तो ये क्या, मैंने एक ज़ॉम्बी स्पॉन, और यहाँ पे पता है अपने बैकअप ले लेते हैं हेलमेट का। ये भी ठीक है। चल भाई डाल दे भाई, टेक योर टाइम जा, डालना भाई। अरे उठाना भाई, क्या हुआ यार? तो गाइस मैंने विकिपीडिया पे सर्च किया था, तो ये बहुत ही रेयर चांस है कि ये उठाए, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 2-3 हेलमेट डाल के यहाँ पे 2-3 ज़ॉम्बी जो है ना बड़े बड़े स्पॉन कर दूं, इनमें से एक तो डाल ही देगा। हाँ भाई टेक योर टाइम प्लीज। हाँ मैं तो रिकॉर्डिंग ही कर रहा ना। हाँ तुम्हें थोड़ी पता मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे यार ये कितने स्लो है, सही बता रहा हूँ यार, यहाँ पे इनसे फास्ट तो ये नीचे डोंकी है भाई, मेरा पीछा करते करते मेरे पास आ गया। हाँ भाई डोंकी तुझे भी चाहिए हेलमेट? चल ये ले डाल दे अपने सर पे डाल दे भाई, तेरे कान तेरे हेलमेट के अंदर से निकलेंगे। अबे बाहर निकलने की कोशिश मत करो भाई, हेलमेट वगैरह उठा के डाल दो यार, कृपया करके, सही बता रहा हूँ भाई, बहुत ओपी बन जाओगे भाई। तुम्हारा बेनिफिट ही सोच रहा हूँ, अगर मैं सर्वाइवल मोड में आ गया तो भाई हर एक को छल्ली कर दूंगा भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं, झाड़ू के साथ मारूंगा, सही बता रहा हूँ मैं। आई थिंक गाइस इनको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। ये ले एक काम करो, ये ले भाई फ्रीडम ले लो, तुम एक काम करो, ये लो भाई फ्रीडम ले लो, और थोड़े से ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन कर लेते हैं ताकि भाई हमारे चांसेस वगैरह बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाए। तो अभी एक काम करता है यहाँ पे, देयर वी गो भाई, जितने हो सके स्पॉन कर दो, और यहाँ पे जितने ज्यादा हेलमेट हो सके हम तो भाई यहाँ पे थ्रो करने के लिए रेडी हैं।
लेकिन ये हेलमेट पता है ओगी के हाथों नहीं लगना चाहिए गाइस बिल्कुल। ये लो भाई, ये लो। एक बंदा तो उठा लो भाई, एक बंदा तो उठाओ, एक ज़ॉम्बी उठा लो यार। सही बता रहा हूँ भाई, तुम गॉड बन जाओगे, ज़ॉम्बी तुम्हें भाई कोई भी नहीं मार पाएगा, सही बता रही हूँ। अरे 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 एक बंदा भी नहीं उठा रहा यार, चलो थोड़ा सा वेट कर लेते, इनको थोड़ा सा टाइम देते हैं भाई। रुको जरा, सबर करो। अरे भाई पहाड़ों के ऊपर नहीं जाना। गाइस इसने उठा लिया। और किसने उठाया? वेट अ मिनट, आई सी टू ऑफ देम। अरे आई सी टू ऑफ देम गाइस, इन्होंने फाइनली उठा लिया। अबे रुक, इसको आइसोलेट करना पड़ेगा भाई। एक मिनट, एक काम कर, तू इधर आ, मेरे पास आ भाई, तुझे ब्लॉक करना है यार। हाँ चल ऊपर चल। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं। तो अभी तो ये भौं कर रहे हैं, लेकिन गाइस मैंने इस ओपी वाले ज़ॉम्बी को कैदी बना दिया। तो अभी पता है हमें एक ही चीज करनी है, यहाँ पे स्पॉन करना है आयरन गोलम। तो ये कर दिया मैंने आयरन गोलम समन। ये तो भाई सच में ओपी निकला भाई। अंदर जा। अरे इसने तो आयरन गोलम को ही उड़ा दिया यार, सही बता रहा हूँ गाइस, दिस इज ओपी। लेकिन अभी एक काम करता है, हम सर्वाइवल मोड में आके इसको मारने की कोशिश करते हैं। ये आए हम गेम मोड सर्वाइवल में। दिस इज इनसेन यार, सही में दिस इज एपिक। चल भाई बहुत हो गया, अब तू मुझे नहीं मार सकता। लेकिन गाइस ये हैक बहुत ही ओपी है। वैसे आप पता है इनको अपने विलेज के सामने लाइन के अंदर खड़ा कर दो, सही बता रहा हूँ गाइस, कोई भी आपके विलेज के अंदर एंट्री नहीं मार पाएगा, क्या ही ओपी प्रोटेक्शन होगी। तो चलिए नेक्स्ट हैक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइब्रेरी सीक्रेट स्टोरेज रूम बताना चाहता हूँ। तो गाइस ये आई थिंक आपने पहले फिगर आउट किया होगा, मैंने भी ऐसी चीजें पहले करी है, लेकिन गाइस ये और भी खतरनाक है। तो यहाँ पे चेस्ट वगैरह को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, प्रो बंदे बैरल वगैरह यूज करते। तो एक काम करता है, यहाँ पे रखे हमने दो बैरल, आपको लेना है यहाँ दो स्टिकी पिस्टन और उसके आगे रखनी है बुकशेल्फ। तो गाइस ये बना दो अपनी वॉल। तो ये आप समझ लो यहाँ पे आपकी एक लाइब्रेरी है, और यहाँ पे हम एक्चुअली में पता है पेंटिंग का उपयोग करेंगे। तो गाइस पेंटिंग थोड़ी सी सस लगती है, अगर एक पेंटिंग एक वॉल के ऊपर हो तो थोड़ी सी सस लगता है, लेकिन मैं थोड़ी सी मल्टीपल वगैरह यूज करूंगा। लेकिन अभी हमें बनाना है एक रेडस्टोन का इन्वर्टर। तो गाइस रेडस्टोन का इन्वर्टर बनाने के लिए हमें चाहिए ये दो रिपीटर, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं एक बुकशेल्फ, ये लगा दी हमने एक रेडस्टोन टॉर्च, और इसके ऊपर से ऐसे हम ये ले आते हैं, एंड देयर वी गो। तो गाइस अगर मैंने इसको ऐसे एक्टिवेट किया, देखा, इट इज ऑलरेडी वर्किंग, तो गाइस यहाँ पे अभी हमें बस फिनिश करना है। तो ये लगी हमारी पेंटिंग, साइड में थोड़ी सी ये लगा देते हैं, देयर वी गो। तो आप एंट्री मारते हो नॉर्मल घर के अंदर, ठीक है, एक एन्चेंटिंग रूम, और यहाँ पे आप इसको भी कवर कर सकते हो। और यहाँ पे आए, इसके ऊपर डाली ऐसे मैंने टॉर्च, ये खोला बैरल से सामान उठाया, इधर से वापस से रेडस्टोन टॉर्च उठाई भाई, सीक्रेट स्टोरेज रूम बिल्कुल हिडन हो चुका है। तो गाइस ये तो बहुत ही एपिक है यार, सही बता रहा हूँ, मैं इसको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में यूज करने ही वाला हूँ, पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन यूज तो करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो स्मैश द लाइक बटन। अरे यहाँ पे तो ढेर सारा पानी है गाइस। अरे नहीं, एक काम करता है, स्पंज का उपयोग करता है। ओह यस गाइस, स्पंज तो मुझे मिल गया। ओह यस, दैट इज अ वेट स्पंज, जो कि ऑब्वियसली आप कभी भी वापस यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे पास एक और ट्रिक, आपको इसके लिए चाहिए एक फर्नेस, यहाँ पे रखा स्पंज, यहाँ पे रखा कोल, कोल को हटा दिया, यहाँ पे रखी हमने बकेट। तो गाइस इसके साथ आपको पता है क्या मिलेगा, देयर विल बी अ सरप्राइज फॉर यू, एंड दैट इज दिस। तो गाइस यहाँ पे आपको एक नॉर्मल स्पंज भी मिलता है और वाटर बकेट भी मिलते हैं। You can take out the water from sponge, और आप obviously इसको वापस से use कर सकते हो, बस आपको खाली एक ही चीज चाहिए, and that is only water bucket। यार पानी की bucket तो obviously बहुत ही benefit होती है, लेकिन अगर आपके पास ये वेट स्पंज है तो आप इसको कभी भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरे हैक के साथ ऑब्वियसली इसको वापस यूज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हैक की और बढ़ते हैं, एंड दैट विल बी फाइंडिंग डायमंड्स। तो गाइस हमने बहुत ही एपिक लोकेशन चूज करी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे कि आप देख सकते हो ढेर सारी क्ले है, यहाँ पे क्ले है। तो यहाँ पे आपको एक एक्यूरेट चीज यूज करनी है। तो गाइस ये देखो, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, 3-2-1 ब्लॉक्स जो भी है गाइस, इसका पैटर्न आप देख सकते हो। तो आपको बस एक सेंटर पॉइंट यूज करना है और साउथ फेस करना है। तो मुझे मेरी ज्योमेट्री का पता, and the south is right there। तो guys यहाँ पे आपको दो block move ahead करना है, and that is where you need to mine। तो guys यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सीधा नीचे mine करो, और I think आपको diamond मिलेगा। let's hope so। diamond कहाँ पर है भाई? अरे redstone तो मुझे मिल गया। नहीं यार, यहाँ
हमें तो चूना लग गया। लेकिन गाइस यहाँ पे 85% चांस है, तो ऑब्वियसली गाइस अगर आप 10 बारी यूज करोगे तो क्या पता 10 में से 7 बारी तो आपको मिल जाएगा। तो लेट्स ट्राई अगेन। तो क्या पता हमारी लोकेशन बहुत ही बेकार हो, तो एक काम करता इधर ट्राई करते हैं। ओह यस, दिस लुक्स लाइक अ गुड वन। तो जैसे कि हम क्रिएटिव मोड में, तो ऑब्वियसली गाइस इसका एडवांटेज तो हमें लेना ही होगा। सो दिस इज सेंटर, यहाँ पे साउथ 2 ब्लॉक। एक काम करता है यहाँ पे बिल्कुल सीधा नीचे माइन कर लेते हैं। आई होप काम हो जाए, काम तो आई थिंक करना चाहिए इसको। लेट्स सी, आई होप इट्स लाइक अ गुड लोकेशन। लेट्स सी मिल जा डायमंड। ओ माय गॉड गाइस, दिस इज एपिक। अरे क्या हमें और डायमंड मिलेगा? नो, क्या खतरनाक है गाइस, लेवल भी ओपी है गाइस, लेवल भी बिल्कुल 11वें लेवल पर मिल चुके हैं यार, दिस इज इनसेन गाइस। अरे ये ट्रिक तो काम ही कर दी गाइस, आई थिंक बहुत ही एपिक हैक है गाइस, ये आपको भी ट्राई करना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हम लोग अगर आपके लिए काम कर रहा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने ऑगी को इनवाइट किया, वैसे मैंने इनवाइट तो उसको किसी और चीज के लिए किया था, लेकिन यहां पे इसने बोला कि इसके पास एक खतरनाक लेवल वाला हैक है, तो चलो यहां पे एक टावर बना रहा है। ऑब्वियसली पता नहीं किस चीज का टावर बना रहा है, लेट्स सी। या अबे यहां पे कौन सा मॉब स्पॉनर बना रहा है भाई? अच्छा इसको ब्रेक करना है। ओके तो गाइस इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, देयर वी गो। देख मैं तेरी बहुत बड़ी मदद कर रहा हूं, स्नो गोलम स्पॉन कर रहा है भाई। हेलो, ये स्नो गोलम्स का क्या सीन है भाई? वेट अ मिनट यहाँ पे नेदरक, क्या कर रहा है भाई? हेलो, नेदरक का क्या यूज करना है भाई? जलाना है क्या? अबे पिघल जाएंगे वो। हेलो क्या कर रहा है गाइस? मैंने नाइट टाइम कर लिया। वेट, यहाँ पे करना क्या है? आई थिंक ये कोई ना कोई फायर कैनन बना रहा है। नाउ सीधा मैजिक। अरे क्या सीधा मैजिक भाई, मॉब्स वगैरह को देखेंगे और क्या करेंगे, अपनी स्नोबॉल ही फेंकेंगे ना। ओ वेट अ मिनट गाइस, अरे नॉर्मल स्नोबॉल नहीं है यार, ये तो फायर वाली स्नोबॉल है भाई, डबल डैमेज। क्या बात है होगी, है दिल जीत लिया तूने तो आज, है छा गया तू, छा गया गुरु। एक मिनट, अबे ये तो पोपट हो गया भाई। हेलो, ये तो फुस हो गया भाई। अरे इनका स्टॉक खत्म हो जाता है यार, 2-3 मिनट बाद इनका स्टॉक खत्म हो जाता है भाई। इनको रीलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा होगी? ऑटो रीलोड, आए ऑटो रीलोड। एक मिनट, एक काम करता है गाइस, यहाँ पे क्रीपर वगैरह भी स्पॉन कर लेते हैं। देयर वी गो गाइस, यहाँ पे देखते हैं इनका माल। अबे इनका माल तो खत्म हो जाएगा। अरे यहाँ पे खाली तो तूने 2-3 स्पॉन किए हैं यार, यहाँ पे पता है हमें हजारों की तादाद में चाहिए इन सब क्रीपर्स को टेक आउट करने के लिए। A few moments later. देख होगी यहाँ पे पता है तुझे एक चीज करनी है, and that is just to push those cards. यहाँ पर आजा और इसको push कर दे। रुक 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 रुक, मुझे दूर जाने दे थोड़ा। हाँ अब कर ले push, देखते हैं भाई तुझे क्या होता है।